नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश दास। जयप्रकाश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। जयप्रकाश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम 2012 में लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा भैरव काली चंडी यही सबका हम लोग पूजा करते थे, हनुमान जी का और कबीर साहब का आदरीय जो धर्मदास साहब को पंथ से जो जुड़ा हुआ है उसे हमारे पिताजी जुड़े थे, उसमें परमात्मा कबीर साहब का वाणी पढ़ते थे तो उधर मन खिंचाव जाता था, देवी देवता जितना भी पूजा करते थे किंतु हमारे मन में खाली कबीर परमात्मा की ही वाणी आती थी और हम लोग बोलते थे हम कभी भी प्रणाम करेंगे तो कबीर साहब के जरूर नाम लेंगे और देवी देवता के लेंगे चाहे नहीं लेंगे। तो हमारे बहुत दिन से इच्छा था जो हम कबीर साहब से हम नाम ले ले, उपदेश ले ले, तो कहीं भी पूछते थे तो कबीर पंथी सब बोलते थे 3000 आपके रुपया लगेगा चौका करने के लिए तब नाम मिलेगा। हमारे इतना गरीबी अवस्था था जो हमारे पास पैसा नहीं था भगत जी जब हम पैसा दे सके ना हम नाम ले सके, ऐसे हम सोचने लगे थे, बहुत सोचते थे जो हम कैसे सच्चा गुरु मिले। फिर भी मन में प्रेरणा होता था आपको सच्चा गुरु ही करना पड़ेगा। सच्चा गुरु के तलाश में हमने इतना लंबा लंबा दाढ़ी रखे हुए थे और इतना इतना हम बाल रखे हुए थे, मालिक के तलाश में हम कहीं भी रहते थे, हम कबीर साहब को बहुत नाम लेते थे जो परमात्मा हमको सच्चा ही गुरु मिलना चाहिए और कबीर परमात्मा से हमको दर्शन होना चाहिए। सर, आप काली दुर्गा चंडी की भक्ति करते करते और धर्मदास पंथ में भक्ति करते हुए आपको एक सच्चे गुरु की तलाश थी, आपने गुरु की तलाश करने के लिए अपनी दाढ़ी मूछ काफी लंबी बना ली और आपकी आत्मा के अंदर एक तड़प थी कि आपको एक सच्चा गुरु मिले, तो क्या सच्चे गुरु की तलाश आपकी पूरी हुई? जी, हमको पूर्ण गुरु से प्राप्त हुआ, एक संत रामपाल जी महाराज के आशीष से हमारे परिवार को चिप में सत्संग भर के दिए तो सत्संग सुनने लगे। सत्संग सुनते सुनते हम बाहर काम करते थे तो हम बोले हम धर्मदास के पंथ में जाएंगे नाम लेने के लिए, तो हमारे परिवार बोले नहीं हम हरियाणा जाएंगे, एक संत के सत्संग मिला हुआ है बहुत अच्छा है, आपको लेना है तो आप चले आइए। तो उसके बाद हमने MP से चला आया हरियाणा नाम लेने के लिए। हमने नाम दान 2012 में संत रामपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा प्राप्त की। सर, आपको एक सच्चे गुरु की तलाश थी और आपकी तलाश पूर्ण हुई, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, बहुत लाभ हुआ भगत जी। लाभ ये हुआ जे नाम लेके हम एक महीना हुआ उसके बाद बच्चे को बहुत तबीयत खराब हो गया, हमारे घर बिल्कुल टूटी फूटी हुई थी, मालिक के जरिए जे संत रामपाल जी महाराज के चित्र भी रखने के घर पे जगह नहीं थी, बच्चा के इतना जोर से निमोनिया हो गया जब बच्चा बैठ नहीं सकता था, गिर जाता था, आंखें नहीं खोलता था, ना हमारे पास पैसा भी नहीं था जब हम कहीं ले जाए इलाज कराने के लिए। उस समय दरे पड़ोसी ने देखा बोला जी इसका लड़के का हालत बहुत ख़राब है, अब रात में कुछ भी हो सकता है, हम तो अपने तरफ से फाइनल सोच रहे लड़का नहीं बचेगा। हमने संत रामपाल जी को प्रार्थना किया जब मालिक आपे हो, बच्चे का तबीयत खराब है, हमने सोचते सोचते ऐसे हम सोने लगे तो दरिए जो एकदम वहाँ पर एकदम मालिक की आवाज़ सुनाई दिया, बेटा चिंता मत करो बेटा ठीक हो जाएगा, इस तरह के बोले हमको, तो हमको कान में सुनाई दिया। तुरंत हम उठ के बैठ के पत्नी को बोलने लगे जो आप उठिए मालिक आए हुए थे, संत रामपाल जी बोले जो बच्चा ठीक हो जाएगा, हमने सुना आवाज़ उनको। उसके बाद दरिए जो सुबह हमने उठा तो बच्चा उठाया, उठ के बैठाया तो बच्चा बैठ गया, उसके बाद दरेजा बच्चा का कुछ हल्का सा नमूनिया था बहुत अच्छा हो गया था, शाम होते होते उसका नमूनिया बिल्कुल अच्छा हो गया, ये हमसे उनको प्राप्त हुआ संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद। उसके बाद दरेजा हम मुंडका आश्रम आ रहे थे, इतना तेज से ट्रक आ रहा था, जैसे हमने 20 ट्रक में पहुंचा तो हमको लगा जे ट्रक हमको ख़त्म कर देगा, हमने सोचा हे मालिक मेरे जान जाने वाला है, इतना करके मेरे आंखें बंद हो गई या दो बैग में टंगा हुआ था, आगे बढ़ते ही ऐसे ट्रक मेरे पीठ में छुआ के ऐसे हवा की तरह निकल गया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास कम से कम 15 भगत थे, 15 भगत देख के कांपने लगे, डर के मारे ओर सब रोने लगे, भगत जी आज तो मालिक के शरण में नहीं होते तो आज आप ख़त्म हो जाते, बहुत बाल बाल से बचे हुए है, मेरा भी शरीर में पूरा एकदम डर समा गया, हम आज यदि संत रामपाल जी महाराज का शरण में नहीं रहते तो आज मेरा मृत्यु निश्चित था।
उसके बाद मेरे पत्नी बोलती थी सेवा करने जाना है संत रामपाल जी महाराज, एक भी गाड़ी नहीं है। उसके बाद प्रार्थना की, मालिक एक गाड़ी मुझे चाहिए जैसे दोपहिया हम इससे जाकर अपना नामदान केंद्र पर सेवा कर सके। मालिक के दया से एक स्कूटी मिल गई जिसमें हम लोग लोन लेने के लिए भी एक पैसा नहीं था, हमारे पास बिल्कुल जीरो पैसा था। दूसरे कोई एक ने बोला हम पैसा देंगे आप गाड़ी निकलवाइए, तो आदमी गारंटर में खड़ा होकर पैसा दिया, 25,000 रुपया जमा किया, गारंटर पर गाड़ी निकाला। आज मालिक के दया से एक हमारे दोपहिया गाड़ी हो गई है और हमने बहुत छोटी छोटी ऐसे लाभ बहुत हुआ है जो हम लोग बता नहीं सकते हैं। और मेरा बवासीर का बीमारी था, बहुत तेज बादी वाला था, दर्द भी होता था और ऐसे खून भी जाता था। हमने पहले डॉक्टर से दिखलाया था, डॉक्टर के बहुत दवा हमने खाया, असम में भी खाया, यहाँ बिहार पर भी खाया, डॉक्टर से दिखलाया किंतु आराम नहीं होता था। थोड़ा दिन आराम होता था फिर बादी और खूनी दोनों होता था। जब होता था तो मैं बहुत तड़पता था, रोता था दर्द के मारे, मेरा नींद नहीं आता था। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद बिना दवाई बिना ऑपरेशन का ये बीमारी मेरा अच्छा हो गया। और मेरे घर में सरकार ने पैसा दिया था घर बनाने के लिए जिसमें एक ही घर बनता। हम लोग दो भाई थे, लड़का बोलता था जो हमको पिताजी हमको बेच के घर बनाओ, हमारे छत का घर नहीं है। हमने बोला नहीं बेटा, बेटा कैसे बेचेंगे। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, मालिक एक ही पैसा में दो छत नहीं बन सकता। हमने बोला मिस्त्री के दोनों घर जोड़ो, मिस्त्री फिर बोला जे हम घर बना देंगे दोनों छत। हम बोले परमात्मा आप ही बना सकते हो, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, जीरो है, हम झोपड़ी में रहने वाले हैं। मालिक के दया से वो दोनों घर पूर्ण हुआ, मेरा भाई वाला भी और मेरा भी। ऐसे एक जगत का भाई मिले हुए थे जो बोलते थे, हम हॉस्पिटल में उस टाइम ड्यूटी करते थे, उनको घर में पत्नी को डेली प्रेत उठता था और दो थप्पड़ मारता था और नाइट ड्यूटी करते थे। किसी ने बताया जो एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है उनसे जाके पूछो तब आपको कोई लाभ मिलेगा। तो वो आके बोले भाई साहब आप तो कुछ नाम लिए कुछ तंत्र मंत्र जानते हो, कुछ बताओ, हमारा परिवार को बहुत प्रेत मारता है। हमने बोला ना हम तंत्र मंत्र विद्या कुछ नहीं जानते, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, तो कुछ बताइए जैसे मुझे लाभ हो। घर में हमारे परिवार को बहुत प्रेत मारता है, थप्पड़ मारता है, नाइट ड्यूटी करने में आता हूँ और रात को प्रेत बहुत थप्पड़ मारता है। तो हमने बोला जी देखिए एक ही बात है, आप संत रामपाल जी महाराज को नाम लेके आपके पत्नी के सोने के लिए बोलिए, एक पर थप्पड़ नहीं मारेगा। उसी दिन वो परिवार ने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके सोए, उस दिन प्रेत आया दरवाजे से बाहर खड़ा था, उसके बाद वो प्रेत आया नहीं। उसके बाद वो भी भगत संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम लिया तब हमारे सारे परिवार सुखी और संपन्न है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके बेटे को निमोनिया की बीमारी ठीक हुई, इसके अलावा आपको बवासीर की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं और जो आपकी तरह ही परेशान और दुखी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश तो दे नहीं सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं। जो भी मेरा भाई बहन जो भी है, जो प्रेत बाधा है, किसी का दुख है, किसी का तकलीफ है, कोई कैंसर है जैसे बीमारी से जकड़े हुए हैं, परेशान है, वो भी मेरे तरह आइए, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए नाम दीक्षा लेकर, आप भक्ति मर्यादा में रह के आप भक्ति करके और आप पूर्ण लाभ उठाइए, ऐसे आपको बीमारी दूर हो सकता है, पूर्ण मोक्ष मिलेगा। मानव जन्म जो मिला हुआ है ये व्यर्थ गवाने से फायदा नहीं है, ये पूर्ण संत के शरण में संत रामपाल जी महाराज से आइए, नाम दीक्षा लीजिए, सारे दुख बीमार भूत प्रेत जो भी है, सारे बाधाएं हैं, ये सारे बाधा से कटित रहित पाएंगे और मुक्ति भी पाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जैसा चैनल है उसमें पट्टी आती है, उसमें नंबर से आग्रह है, नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हर एक जिला में संत रामपाल जी महाराज की दरिजा नाम दीक्षा की केंद्र खुला हुआ है, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, जैसे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, नेपाल हो, कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के आप नाम अपने राज्य में ही प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चा है जी।